हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे हमारी टॉप 10 केस स्टडीज की सीरीज, और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज स्टाफिंग चैप्टर से। पर शुरू करने से पहले मैं आपको ये लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। अब मैं क्यों मिलवाना चाहता हूँ, देखो ये एक बिजनेस है योर शेल, जो कि फाउंड किया गया है ये लेफ्ट में बैठे हुए महाशय सन्नी भाई के द्वारा इन तीन लोगों के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ हमारी 10 में से 2 केस स्टडीज इस बिजनेस के ऊपर होंगी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई कैसे बिजनेस हमारी 12th क्लास की एक्चुअल में रियल लाइफ में यूज करी जाती है। और यार ये जो हैरानी की बात है कि ये जो 4 लोग हैं ये तुम्हारी और मेरी उम्र के ही बंदे हैं, ये जाते हैं 20-21 साल के बंदे एक कंपनी खोलते हैं जो कि पीजी और फ्लैट्स प्रोवाइड करती है, कॉलेज स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, और अपने बिजनेस के फर्स्ट ईयर में टर्नओवर कर लेते हैं 1 करोड़ की, सेकंड ईयर में 2.5 करोड़ की, और ये अगले साल प्रोजेक्ट कर रहे हैं 5 करोड़ की टर्नओवर। हमारी उम्र के बंदे हमारी ही पढ़ाई में से यूज करे हुए कॉन्सेप्ट अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, और उन्होंने अपने बिजनेस को कितना ऊंचा लेके गए हैं। तो एक्साइटेड रहिए क्योंकि हम इनकी भी केस स्टडीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए 10th केस स्टडी है हमारी, अल्फा एंटरप्राइजेस इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाटर गीजर्स। द कंपनी हैज फंक्शनल स्ट्रक्चर विद 4 मेन फंक्शंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। एज द कंपनी ग्रू द कंपनी डिसाइडेड टू हायर मोर एम्प्लॉयज। तो भाई बहुत बढ़िया बात है, कंपनी ग्रो कर रही है और वो नए एम्प्लॉयज हायर करना चाहती है। डिटरमाइन द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को पॉज करो आप पहले, और हाँ इस वीडियो के नोट्स बनाने की या फिर पॉज करने की जरूरत नहीं है, नोट्स देखने के लिए इसका आपको लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। तो पॉज करके पहले आंसर गेस करने की कोशिश करो, और अगर आपको नहीं मिला सोच के भी आंसर, तो मैंने ये लीजिए आपके लिए हाईलाइट कर दिया, इस पूरे पैराग्राफ को साइड कर दो, और ये इंपॉर्टेंट लाइन जो हाईलाइटेड है इसको दिमाग में सोच के फिर आंसर गेस करने की कोशिश करो कि आंसर क्या है। तो आंसर है इसका वर्कलोड एनालिसिस। कैसे, देखो जैसे मैंने अपनी स्टाफिंग वाली वीडियो में समझाया भी था कि वर्कलोड एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में हमें कितने लोगों की जरूरत है। और इस पैराग्राफ को तो साइड ही कर दो, जैसे कि मैं हमेशा बार बार कहता हूं केस स्टडी में सिर्फ कुछ वर्ड या एक दो लाइन होती है जो कि आंसर दिखाती है। ये लाइन क्या कहती है, डिटरमाइन द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट। हम ये जांच रहे हैं कि एक्चुअल नंबर कितने लोग हमें रिक्वायरमेंट है हर डिपार्टमेंट की, जो कि हम करते हैं वर्कलोड एनालिसिस में। तो आइए अब हम नेक्स्ट केस स्टडी 9th केस स्टडी की तरफ बढ़ते हुए, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मैं कहना चाहूंगा नहीं समझ में आ रहा, तो मैं स्टाफिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। अब देखो मैं यहां पे आपको एक बहुत अच्छा टिप देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस केस स्टडी वाले हो जिनमें ए बी सी डी पॉइंट करके क्वेश्चंस दे रखे हो, फटाफट से ना ए पॉइंट का जो क्वेश्चन हो ना स्टार्टिंग का फटाफट से जल्दी से पढ़ लो, ताकि आपको पता हो केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले कि आपको क्या आंसर फाइंड करना है। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम क्वेश्चन फटाफट से पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन ओवरलुक बाय नकुल। फटाफट से पढ़ लो, बहुत ज्यादा प्लीज टाइम मत लगाना, बस ए पॉइंट ऊपर से एक लुक दे देना कि क्या क्वेश्चन है। तो अब केस स्टडी स्टार्ट करते हुए, नकुल बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज इन वाराणसी, बीइंग ओनली द लिटरेट पर्सन इन हिज इमीडिएट फैमिली ही डिसाइड टू सेटल इन अ सिटी। नकुल भाई गए हैं सिटी में, सो ही ओपन अ स्वीट शॉप इन चांदनी चौक दिल्ली। बेकार की इंफॉर्मेशन है, बेसिकली वो स्वीट शॉप खोल रहा है भाई चांदनी चौक में दिल्ली में। एज ही पोजेसेस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कल्नरी स्किल्स, वेरी सून ही स्टार्ट्स गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम हिज कजन्स इन द विलेज टू एंगेज देम इन सम काइंड ऑफ जॉब इन हिज बिजनेस। बेसिकली उसके कजन उसे अप्रोच लगा रहे हैं भाई हमें भी अपने बिजनेस में रख ले। कंसिडरिंग इट टू बी हिज मॉरल ऑब्लिगेशन, वो भाई सोचने लगते हैं कि भाई ये तो मेरी जिम्मेदारी अपने भाइयों को की सुनना। ही एंगेजेस 5 ऑफ हिज कजन इन हिज बिजनेस विदाउट पेइंग एनी स्पेसिफिक अटेंशन टू देयर इंडिविजुअल केपेबिलिटीज। भाई नकुल भाई ने क्या किया, उन पांचों को अपने बिजनेस में रख लिया, ये कह के कि चलो भाई भाई हैं इनको जॉब दे देते हैं, उनको आता कुछ भी नहीं था। दिस लीड्स टू, जो कि होना ही था, टू वेस्टेज ऑफ मटीरियल्स टाइम एफर्ट्स एनर्जी रिजल्टिंग लोअर प्रोडक्टिविटी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो होना था वो हो गया भाई, अप्रोच पे बंदे रखे बिजनेस का उन्होंने काम खराब कर दिया। एज अ रिजल्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस स्टार्ट्स फॉलिंग सून ही रियलाइज दैट द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इज इट इज असेंशियल दैट द राइट काइंड ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल इन द राइट नंबर एंड एट द राइट टाइम।
तो भाई आपने पूरी केस स्टडी देख ली, अब पूरी केस स्टडी यूजफुल नहीं है, सिर्फ कुछ ही लाइनें यूजफुल हैं, वो पता चलेगा क्या हमें यूजफुल है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ के रख लिया था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन ओवरलुक्ड बाय नकुल। अब देखो आपको पता है, क्योंकि मैं स्टाफिंग की टॉप 10 केस स्टडी पढ़ा रहा हूं, तो आपको पता है ये पॉइंट का बहुत सिंपल सा आंसर है स्टाफिंग, और ये हाईलाइट इन दो लाइनों से हो भी रहा है क्लियरली क्लियरली, जो मैंने आपको हाईलाइट कर दी है वीडियो में, कि यहां पे हमें ये दोनों लाइन साफ साफ बता रही है कि यहां पे स्टाफिंग है। बट देखो भाई अभी तो आपको पता है स्टाफिंग की वीडियो चल रही है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं यार, ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग है, क्या नहीं है। तो बेसिकली कीवर्ड यहां पे हमें साफ साफ दिख गए कि राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल इन राइट नंबर एट राइट टाइम। इससे तो भाई साफ साफ पता चल गया कि हमारा ये आंसर है स्टाफिंग। बी पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई एज इन पार्ट ए। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पहले बताओ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और फिर बी पॉइंट में पूछ लेंगे स्टाफिंग, उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जो आपने ए में बताया है उसकी इंपॉर्टेंस बता दो कोई भी। तो भाई स्टाफिंग की आप इंपॉर्टेंस ऑलरेडी मेरी वीडियो से पढ़ ही चुके हो, तो कोई भी 3 4 5 जो भी नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन हो उस हिसाब से इंपॉर्टेंस लिखाना उतने पॉइंट्स। अब 8th केस स्टडी से स्टार्ट करते हुए, द वर्कर ऑफ व्याम लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू एंड हाईटेक मशीन्स इंपोर्टेड बाय द कंपनी टू फुलफिल इंक्रीज्ड डिमांड, देयरफॉर द वर्कर सीक्स एक्स्ट्रा गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर्स। अब ये लाइन पढ़ के आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि यार यहां पे हम ट्रेनिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं, इतना आपको क्वेश्चन पेपर में पढ़ के ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। द सुपरवाइजर इज ओवर बर्डन विद द फ्रीक्वेंट कॉल्स ऑफ द वर्कर। सुपरवाइजर तंग आ गया भाई, इतने कॉल आते हैं उसके बेचारे के पास। सजेस्ट हाउ द सुपरवाइजर बाय इंक्रीजिंग स्किल एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर कैन मेक देम हैंडल देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। ऑल्सो स्टेट एनी थ्री बेनिफिट दैट द वर्कर विल डिराइव बाय द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर। क्वेश्चन यहां पे क्या है कि सजेस्ट हाउ द सुपरवाइजर बाय इंक्रीजिंग स्किल एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर कैन मेक देम हैंडल देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। ये सजेस्ट करो कि कैसे कि सुपरवाइजर क्या कर सकता है जिससे कि वो बंदे जो हैं, वर्कर्स जो हैं, अपना काम खुद संभाल सके। अब यहां पे बेसिकली आपको ट्रेनिंग का मेथड सजेस्ट करना है। अब कौन सा ट्रेनिंग का मेथड आप दोगे, इसके लिए मैंने यहां पे आपको हाईलाइट भी कर दिया है कौन सी लाइन बताती है कि कौन सा ट्रेनिंग का मेथड यूज होना चाहिए। वीडियो पॉज करके आप आंसर सोच सकते हो। तो यहां पे अब खुद ही लॉजिक लगाने की कोशिश करो यार, इंडक्शन तो ऑब्वियस होगा नहीं, क्योंकि इंडक्शन में हम अपने ऑर्गेनाइजर्स, अपने नए वर्कर्स को वेलकम करते हैं। इंटर्नशिप होती है स्टूडेंट्स के लिए, अप्रेंटाइसशिप होती है स्किल्ड लेबरर्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए, बेसिकली लेबर्स में यूज होती है। तो बची कौन सी भाई, आंसर अब आप गेस ही कर सकते हो, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और ये हाईटेक मशीन्स जो वर्ड है ना, न्यू एंड हाईटेक मशीन्स, ये साफ साफ हमें इंडिकेट भी कर रही है, क्योंकि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हम महंगी मशीनों के केस में यूज करते हैं, ताकि हम अपने नए वर्कर्स को डायरेक्टली महंगी मशीनों पे खड़ा ना कर दें, हम एक उसके जैसी एक मशीन लाते हैं, उसके जैसा एक एनवायरमेंट स्टिम्युलेट करते हैं, ताकि वर्कर उन पे सीख सके और उन मशीनों में पंगे ना करें और उन मशीनों को कभी खराब ना कर दें और सुपरवाइजर का बार बार दिमाग ना खाएं। और सेकंड पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का, ऑल्सो स्टेट एनी थ्री बेनिफिट दैट द वर्कर विल डिराइव बाय डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर। इसमें आपको तीन बेनिफिट बताने हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी मेरी वीडियो में, कि बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको बताने हैं कोई भी तीन बेनिफिट जो बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, कोई भी तीन बता देना। 7th केस स्टडी की तरफ बढ़ते हुए, अगेन पॉइंट वाली है तो फटाफट से चलो ए पॉइंट पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वही आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, छोटी सी केस स्टडी है। ओइंग टू द इंक्रीज वर्कलोड बिकॉज ऑफ न्यू सर्विसेज सच एज फ्री आर्केड सेंटर, लाइब्रेरी, पूल टेबल, फूड कूपॉन्स टू देयर फॉर देयर टेनेंट्स, योर शेल डिसाइडेड टू इंक्रीज। योर शेल वही भाई सन्नी भाई की कंपनी, बेसिकली सन्नी भाई अपने जो योर शेल में जो रेंट पे बच्चे रह रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट रह रहे हैं, उन्हें वो फ्री आर्केड, लाइब्रेरी, पूल टेबल, खाने पीने के कूपन, ऐसी बहुत सारी फ्री की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो योर शेल ने डिसाइड किया टू इंक्रीज मैन पावर ऑफ कंपनी बाय फिलिंग अप 7 वैकेंसीज विच वर लाइंग वेकेंट। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई इन सारी जगहों पे, लाइब्रेरी पे, पूल टेबल पे, आर्केड में हमें स्टाफ रखना पड़ेगा, ताकि वो इन सब मशीनों को संभाल सके और देख सके कोई इनको मिस हैंडल नहीं कर रहा। तो इन अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस इन अबव लाइंस,
ये तो भाई बड़ा सिंपल सा है, अगेन इसका आंसर है स्टाफिंग, क्योंकि भाई ये आपने, ये जो 7 वैकेंसीज हैं ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो यहाँ पे स्टाफिंग ही होना है, पेपर में कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। बट बी पॉइंट हल्का सा ट्रिकी है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पर्टिकुलर स्टेप रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए विच हैज ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड। मतलब क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है पार्ट ए में जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपने समझा उसका वो स्टेप, यानी स्टाफिंग का आपको वो स्टेप आइडेंटिफाई करना है जो ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं। ऑल्सो स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर दिस स्टेप। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टेप परफॉर्म हो चुका है। देखो ये फिलिंग अप 7 वैकेंसीज से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा स्टेप परफॉर्म हो चुका है, पॉज करके सोच भी सकते हो। बड़ा सिंपल सा आंसर है, हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। एस्टिमेटिंग बेसिकली योर शेल एस्टिमेट कर चुकी है कि भाई हमें 7 लोग चाहिए इन सारे हमारे सेंटर्स पे जो हम अपने टेनेंट्स को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एस्टिमेट कर दिया है ऑलरेडी कि भाई 7 लोग हमें चाहिए। ऑल्सो स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर दिस स्टेप। अब हमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेप है। और हाँ भाई, एस्टिमेटिंग आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन है, तो एक्सप्लेन भी करके आना आपको एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट को, तो थोड़ा अच्छे से ब्रीफ से समझा के भी आना, लिख के भी आना। ऑल्सो स्टेट, यहाँ पे सिर्फ स्टेट करना है द नेक्स्ट 3 स्टेप टू बी परफॉर्म आफ्टर दिस स्टेप। तो आपको एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के बाद के 3 स्टेप बनाने हैं, जो कि है रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये 3 है हमारे नेक्स्ट स्टेप। अब आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज और सीखने को मिली है कि स्टाफिंग के ये जो स्टेप्स हैं और सिलेक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपने याद कर लिए तो कर लिए, आपको उनकी प्रॉपर सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए। और यही चीज ट्रू है ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स में भी, प्लानिंग के स्टेप्स में भी। अब आते हुए हमारी 6th केस स्टडी की तरफ, अनूप रंसा लॉ फर्म इन हैदराबाद। His firm offer valuable financial and legal consultancy services to the clients. Whenever the firm hire new employees on the first day of joining, they are welcomed to the organization. यहाँ ये welcomed to the organization से ना आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए बोर्ड के पेपर में कि हम किसी तरफ किस तरफ बढ़ रहे हैं। एंड आर गिवन डिटेल अबाउट आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडे रिक्वेस्ट, सिकनेस प्रोसीजर, ड्रेस कोड, लंच एटेक्स्ट्रा। दे आर ऑल्सो फेमिलियराइज विद द फेमिलियराइज अगेन। अब आपको खुड़की लग जानी चाहिए भाई क्या बढ़ रहे हैं, दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर इंक्लूडिंग कंप्लेन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सेक्सुअल हरासमेंट, इमरजेंसी एग्जिट एंड इवैक्यूएशन प्रोसेस। आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग रेफर्ड इन अबव पैराग्राफ, ऑल्सो गिव एनी 3 ऑफ इट्स एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। हद से ज्यादा आसान है यार ये आपके आगे। देखो ये 2 लाइनें आपको ऑलरेडी बता रही हैं कि कौन सा ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, जो कि है इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसमें मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था भाई। इसमें सिंपली बस हम वेलकम करते हैं। अब आपको बस इसमें सिंपल से क्या, इसमें बस आपको 3 और चीजें बतानी है, वो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन में से कोई भी 3 पॉइंट्स आराम से अपना सिंपल एक्सप्लेन कराना। 5th केस स्टडी की तरफ बढ़ते हुए, बहुत छोटी सी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड मेनी स्पेशलाइज एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज विच द ह्यूमन रिसोर्स पर्सोनल मस्ट परफॉर्म। इन द लाइट ऑफ अबव ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 4 set duties परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देखो ये कोई एज सच केस स्टडी भी नहीं है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके बोर्ड में और कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप ये पूरी ऊपर की लाइन भी ना पढ़ो ना, सिर्फ ये चीज देखो, एक्सप्लेन एनी 4 such duties परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। बेसिकली आपको कोई भी 4 functions ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर लिख के आने हैं इस आंसर में। इसको रादर देन सीधा पूछने के बजाय कि भाई एक्सप्लेन एनी 4 duties परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया है ताकि कुछ बच्चे जाके कंफ्यूज हो जाएं, तो वो भी हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। आइए 4th केस स्टडी की तरफ, ये थोड़ी सी है, चलो ए पॉइंट, हाँ ए पार्ट यहां पे फटाफट देख लेते हैं। नेम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय द कंपनी। चलो भाई फटाफट ए हमने पढ़ लिया, अब केस स्टडी पे आ जाते हैं। आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योति द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ सेनर एंटरप्राइजेज डिसाइडेड टू लीव द कंपनी। 3 लोगों ने डिसाइड किया है कंपनी को छोड़ने का। अगर कभी ऐसी केस स्टडी आए ना, तो हमेशा अपने दिमाग में
बिठा लेना कि तीन लोग कंपनी छोड़ रहे हैं, मतलब अगर दो तीन चार लोगों का डिस्कशन हो रहा हो तो अपने फटाफट दिमाग में बिठा लेना, आशीष, रमन और ज्योति छोड़ रहे हैं कंपनी। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ने बुलाया ज्योति को, कॉल्ड ज्योति द एचआर मैनेजर एंड रिक्वेस्टेड हर टू फिल अप द वैकेंसीज बिफोर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मिंग दैट हर सबऑर्डिनेट मिस अलका पंडित वॉज वेरी कॉम्पिटिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी। ज्योति सजेस्टेड दैट इफ शू कुड बी मूव्ड अप इन द हायरार्की। तो भाई ज्योति ने कहा अलका पंडित को हायरार्की में ऊपर मूव कर दो, शी वुड डू द नीडफुल, मतलब उसकी जगह अलका पंडित आराम से ले लेगी। द सीईओ एग्रीज फॉर द सेम, और सीईओ यही कर देता है। मिस अलका पंडित कॉन्टेक्टेड केथ रिक्रूटर्स हु एडवर्टाइज फॉर द पोजिशन ऑफ मार्केटिंग हेड फॉर सेनर एंटरप्राइजेस, दे वर एबल टू रिक्रूट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी। हाँ भाई, यहाँ पे हमारे इसने अलका पंडित ने वो कर दिया, केथ एंटरप्राइजेस से दिलवा दिया हमें सूटेबल कैंडिडेट, मार्केटिंग हेड दिलवा दिया। रमन वेकेंसी वॉज फिल्ड अप बाय स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन लाइंग इन द ऑफिस। तो भाई ये तीन लोग थे, इन तीनों ने छोड़ा और इन तीनों की जगह ली गई। नेम द इंटरनल स्लैश एक्सटर्नल सोर्सेज, सोर्स सीड लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय द कंपनी टू फिल अप द अबव स्टेटेड वैकेंसीज। तो अब क्वेश्चन आपसे सिंपली डिमांड कर रहा है कि ऊपर हमारे तीन लोगों ने वेकेंट कर दी ऑर्गेनाइजेशन, अब हमें बताने हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो कि हमारे इस कंपनी ने यूज करे इनकी वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए। तो अब अपना दिमाग लगाओ और गेस करने की कोशिश करो कि किसने कौन सी, हमने कौन कौन से कब कब सोर्सेज यूज करे गए। तो अब अगर आपने वीडियो पॉज करके सोचा, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं। देखो भाई, अलका पंडित की पोजीशन ली थी, ज्योति की पोजीशन ली गई अलका पंडित के द्वारा बाय मूविंग अप हर इन द हायरार्की। तो अब आप इस लाइन से गेस कर लो कौन सा है ये हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सिंपल, प्रमोशन, जो कि है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब अलका पंडित जब आई, उसने केथ रिक्रूटर को कॉन्टैक्ट किया, तो कॉन्टैक्टेड केथ रिक्रूटर्स, इससे आपको पता चल जाएगा भाई मार्केटिंग हेड आशीष की पोस्ट किसने ली थी, आशीष हमारा जो मार्केटिंग हेड था उसके लिए हमने केथ रिक्रूटर्स को बुलाया। तो सिंपल भाई, मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो कि है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हमें पता है केथ रिक्रूटर एक कंपनी, दूसरी कंपनी का नाम आ गया और स्पेशली उनके नाम के पीछे रिक्रूटर्स लग गया, तो भाई ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। और हमारी लास्ट रमन की वैकेंसी फिल अप हुई थी बाय द स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन लाइंग इन द ऑफिस। ये थोड़ा टफ है, अगर आप ये गेस कर लोगे तो आप, यानी आपको स्टाफिंग चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। इसका आंसर है टड़ा, कैजुअल कॉलर्स, जो कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो स्टाफिंग के ऊपर, मैंने इस चीज़ पर बहुत अच्छे से एम्फोसाइज किया था कि भाई जब कैजुअल कॉलर्स हमारी कंपनी में कॉल करते हैं, ऐसे चलते फिरते हमारे एचआर मैनेजर के पास कॉल आ जाते हैं, तो एचआर मैनेजर उनका फ़ोन नहीं काटता, वो उनकी पूरी डिटेल ले लेता है और वो उन डिटेल को अपने ऑफिस में रख लेता है। तो जैसे ही हमारे पास ताकि वेकेंट पोजिशन आए, तो हम उन जो हमारी अनसॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड का आपको मतलब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एप्लीकेशंस लाइंग इन द ऑफिस, हमारे पास एप्लीकेशंस इकट्ठी हो जाती हैं, वो पड़ी रहती हैं ऑफिस में, और जैसे ही हमें जरूरत पड़ती है हम उन लोगों को कॉल करना चालू कर देते हैं। तो इसमें आता है कैजुअल कॉलर्स। बी पॉइंट सिंपल है, ऑल्सो स्टेट एनी वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आपको यहां पे प्रमोशन का एक बेनिफिट बताना है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट का एक बेनिफिट बताना है, कैजुअल कॉलर का एक बेनिफिट बताना है। तो भाई प्रमोशन का आप सिंपल लिख दोगे, ये हमारे, देखो यहां पे थोड़ा आपको अपनी इमेजिनेशन लगानी है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ था उसको लिख के आना है। प्रमोशन में हमें क्या कहा गया था, प्रमोशन भाई हमारे दूसरे एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करती है और मेहनत से काम करने के लिए। मैनेजमेंट कंसल्टेंट हमारे यूजफुल होते हैं हमारी मैनेजरियल पोजीशन, मैनेजमेंट कंसल्टेंट नाम से भी मतलब मैनेजरियल पोजीशन को फिलअप करने में। और कैजुअल कॉलर्स जो है सबसे चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, क्योंकि हमारा इसमें कोई खर्चा नहीं है, लोगों ने खुद कॉल किया और हमने उनकी एप्लीकेशन छान ली। अब थर्ड केस स्टडी स्टार्ट करते हुए दोबारा से हम देख रहे हैं एबीसीडी पॉइंट है, तो फटाफट से ए पॉइंट के ऊपर नजर बिठा लेते हैं। नेम द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, हमें सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ढूंढने पड़ेंगे इस केस स्टडी में। तो स्टार्ट करते हैं, मोहित गुप्ता इज वर्किंग विद योरशेल। दोबारा सन्नी भाई की कंपनी आ गई यहाँ पे योरशेल, और यहाँ पे बड़ी एक अच्छी सी घटना, बड़ी मजेदार सी बात है यहाँ पे, मैं केस स्टडी के एंड होने पर बताऊंगा वो चीज। तो मोहित गुप्ता इज वर्किंग विद योरशेल, ही इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द कंपनी। ये लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में ना एक बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं चली तो योर शेल प्रोवाइड पीजीज एंड फ्लैट्स अराउंड नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी टू स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयज ऑफ बिग कंपनीज, SRCC के, रामजस के, हिंदू कॉलेज के बच्चे और ये मैकेंजी बेन जैसी कंपनियों के बच्चे रहते हैं भाई सिन्नी भाई के इन प्रॉपर्टीज पे। द गार्ड्स आर रिक्रूटेड ऑन देयर प्रॉपर्टीज टू प्रोवाइड कंप्लीट राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड उनकी प्रॉपर्टी पे रखे जाते हैं 24 घंटे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सब बच्चों को। द गार्ड्स आर प्रोवाइडेड बाय मोहित आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड पंचुअलिटी, मोहित गुप्ता इज वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल। अब यहां पर मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूं, देखो भाई जिस केस स्टडी से थोड़ी सी भी अच्छाई टपकनी चालू हो जाए ना, अपने आप समझ जाना कि भाई उस केस स्टडी में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली आने ही आने वाला है। तो अपने दिमाग में घंटे जला देना कि भाई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे हाईलाइट कर देना पेंसिल से फटाफट, मार्क मार देना कि यहां पे भलाई की बात हुई थी तो शायद इसका आंसर हमें कहीं यूज करना है। तो हमने ए पॉइंट तो पढ़ लिया था, नेम सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय योर शेल। अब देखो भाई यहां पे भी ना इस ए पॉइंट का आंसर सिर्फ एक लाइन में बसा हुआ है अगर आपने नोटिस किया हो, और अगर आपको नहीं इसका आंसर समझ में आ रहा तो ये लो हिंट भी ले लो, ही इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द कंपनी। अगर आपको नहीं समझ में आया, बड़ा आसान सा है, इसका आंसर है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में लेबर कॉन्ट्रैक्टर। भाई मोहित गुप्ता जो है ना एक्चुअल में ये एक असली इंसान है जो योर शेल के स्टार्टिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स में आता था, और मोहित गुप्ता ना बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, बड़ा फ्रेंडली बंदा है, खुद सिक्योरिटी गार्ड है, बड़ा फ्रेंडली बंदा है और इसकी बड़ी जान पहचान है आगे दूर दूर तक अपने जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स में। तो मोहित गुप्ता सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम तो करता ही है योर शेल में, पर ऑल्दो इसके स्टडी में लिखा नहीं हुआ बट स्टिल मोहित गुप्ता सिक्योरिटी गार्ड है नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल मोहित गुप्ता इज वर्किंग विद योर शेल एंड ही इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द कंपनी। मतलब भाई वो काम कर भी रहा है और दूसरे लोगों को ला के कंपनी में काम पे लगा भी रहा है, तो ये वाली चीज कहाँ होती थी, ये वाली चीज तो भाई सिंपली लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में ही होती थी। ये दो लाइनें सफिशियंट है ए पॉइंट का आंसर देने के लिए। अब देखो यहां पे मैं आपको एक और चीज एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता देता हूं, इस केस स्टडी को हम हल्का सा भी चेंज कर देंगे ना, तो अगर मानो यहां पे कहा जाता कि योर शेल के सन्नी ने, जो सीईओ है योर शेल का, उसने कहा है अपने एम्प्लॉय से कि भाई हमें रिकमेंडेशन दो कि हमें अकाउंटेंट और मार्केटिंग की पोजीशन में कोई बंदे चाहिए, तो वो आ जाता रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉयज वाले पॉइंट में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। क्यों? क्योंकि जो ये मैनेजमेंट पोजीशन होती हैं या थोड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं जो कि हम करंट एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट सॉरी रिकमेंडेशन से भरते हैं इन पोजीशंस को, उस केस में तो आ जाता है भाई रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉयज, क्योंकि वो हमें रिकमेंड कर रहे हैं, हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और हम उन्हें अच्छी पोजीशन पर रख रहे हैं। बट जब हमारी कंपनी में कोई लेबर काम कर रहा हो और वो हमारे पास ही लेबर लाके हमें जॉब मतलब हमारे पोजीशन पे रख रहा हो लेबर्स को लाके, तो भाई वो होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उसने बोला और हमने सीधा रख लिया उस लेबर को। तो यहां पे एक सिंपल सा अगर चेंज कर दिया जाए तो शायद लेबर कॉन्ट्रैक्टर से इसका आंसर हो सकता है रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉयज। बी पॉइंट है स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। भाई हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ी रखी हैं, तो सिंपली कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की कोई भी डिसएडवांटेजेस बता दो। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड विच इज बीइंग फुलफिल्ड बाय द कंपनी एज पर मैस्लोज नीड हायरार्की। ये क्वेश्चन तो भाई डायरेक्टिंग का है और ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत मिक्स भी हो जाते हैं बोर्ड के पेपर में, तो बस जिसने मेरी डायरेक्टिंग की वीडियोस देखी रखी हैं वो ऑलरेडी सिंपली बता भी पाएगा कि इसमें हम बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की, क्योंकि भाई हम उसे एक बेसिक सैलरी दे रहे हैं रहने खाने और पीने के लिए, तो सिंपल सा आंसर है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। आइडेंटिफाई डी पॉइंट आइडेंटिफाई एनी टू क्वेश्चन कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी इन अबव स्टेटेड केस। मैंने जैसे पहले कह दिया था भलाई टपक रही है तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो अब यहाँ पे आपको दो भाई बतानी है वैल्यूज जो हमारी कम्युनिकेट करी गई है सोसाइटी को, तो उसका आंसर दो लाइनों में है, ढूंढने की कोशिश करो। तो मैं जरा डिस्कस करता हूँ अब आंसर को। पहला हमारा आंसर है यहाँ पे ऑनेस्टी एंड पंचुअलिटी पे, तो इस केस में हम सिंपली लिख सकते हैं कि वैल्यू जो कम्युनिकेट करी गई है वो करी गई है एक रिलायबल बिजनेस देना अपने कस्टमर्स को, और ये कहां से कम्युनिकेट किया गया, तो आप लिखोगे भाई सिंपल इसका आंसर रहेगा कि हम रिलायबल सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को, और ये इंडिकेट किया है इस लाइन के द्वारा द गार्ड्स प्रोवाइडेड बाय मोहित आर नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड पंचुअलिटी। आप डिट्टो डबल कोट्स में लाइन कॉपी कर सकते हो अपने आंसर में और आपको बताना है कि वैल्यू कौन सी हाईलाइट करी गई है, अपने आप से आप लिख सकते हो ऐसी कि भाई रिलायबल सर्विसेज हमारा बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है अपने टेनेंट्स को ऑनेस्ट और पंचुअल गार्ड्स देके।
दूसरी वैल्यू कौन सी हाईलाइट करी गई है? वो भाई यहां पे करी गई है, मोहित गुप्ता इज वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल। यहां पे कौन सी वैल्यू हाईलाइट करी गई है? यहां पे मैं लिख के आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है मोहित गुप्ता। और लाइन भाई ये वाली लास्ट लाइन सिंपल, आप डबल कोट में कोट कर सकते हो। नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ भरते हुए सेकंड केस स्टडी पे, बट मैं आपको हाँ भाई बता दूं पहले ही, फर्स्ट केस स्टडी खत्म होते ही भाग मत जाना, वीडियो खत्म मत कर देना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बड़ी यूजफुल चीज बताने वाला हूँ अगर आप दिल्ली में शिफ्ट होने वाले हो ट्वेल्थ के बाद या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो। सेकंड केस स्टडी स्टार्ट करते हुए यहाँ पे भी भाई पॉइंट वाली है, तो चलो ए पॉइंट को फटाफट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट नेक्स्ट थ्री स्टेप्स प्रशांत हैज टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर एडवर्टाइजिंग इन द फॉर द अबव वैकेंसी। फटाफट से हमने ये पॉइंट पढ़ लिया, अब आ जाओ फटाफट हम स्टार्ट कर देते केस स्टडी पढ़ना। प्रशांत द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर रग्स फॉर यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट फर्म्स। भाई अब दोबारा यहाँ पे वेस्ट मटेरियल आ गया, तो भाई भलाई टपक रही है, तो भाई यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने आने वाला है भाई, फटाफट हाईलाइट कर दो इसे पेंसिल से अपने क्वेश्चन पेपर में कि भाई यहाँ से कुछ भलाई होगी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में आ सकता है इसमें। ही डिसाइडेड दैट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी सेटअप इन अ रूरल एरिया सो दैट पीपल ऑफ दैट एरिया विल हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। भाई ये तो बंदा बहुत भला है, एक और भलाई आ गई। फॉर दिस ही वॉन्टेड फोर डिफरेंट हेड्स फॉर सेल अकाउंट्स परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भाई इसे चार हेड चाहिए। He decided that one of them will be differently abled people. भाई differently abled का मतलब होता है विकलांग या फिर physically disabled. तो he decided one of them will be differently abled person, another from minority community and one from disadvantaged sector of society. भाई ये तो दोबारा भलाई पे कर भलाई करे जा रहे हैं। He gave an advertisement in the newspaper for above vacancy. यहाँ पे थोड़ी सी घंटी बज जानी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है न्यूज़पेपर में, हमने ऐसा कुछ पढ़ा रखा है ऑलरेडी सोर्सेज और रिक्रूटमेंट में। बट ए पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट स्टेप प्रशांत विल फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर एडवर्टाइजिंग फॉर द अबव वैकेंसी। मतलब भाई इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने एडवर्टाइजिंग तो मान ली, इसने एडवर्टाइजिंग कराया, बट हमें स्टाफिंग प्रोसेस में नेक्स्ट थ्री स्टेप्स बताने हैं। तो यहां पे दोबारा इस चीज को रीइंफोर्स करा गया है कि भाई स्टाफिंग प्रोसेस आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो कौन से तीन स्टेप हैं रिक्रूटमेंट के बाद स्टाफिंग प्रोसेस में? उसके बाद आता है सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बी पॉइंट है आइडेंटिफाई टू वैल्यूज दैट प्रशांत वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी बाय सेटिंग अप अ प्रोडक्शन यूनिट। भाई इस पैराग्राफ में बहुत भलाइयाँ टपकी हैं, अब तो आप खुद ही गेस कर लो कहाँ कहाँ पे थी यहाँ पे जो वैल्यूज वो कम्युनिकेट करना चाहता है सोसाइटी को। पहली वैल्यू उसने कम्युनिकेट करी थी यहाँ पे, यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट फैक्ट्री। तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो रिसाइकलिंग, भाई बिजनेस रिसाइकलिंग कर रहा है, तो वैल्यू में लिख सकते हो आप रिसाइकलिंग और लाइन कोट कर सकते हो पहले वाली। दूसरी हमारी जो वैल्यू थी वो थी सेटअप रूरल इन रूरल एरिया, तो इसमें लिख सकते हो आप वैल्यू लिख सकते हो कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज, और लाइन कोट कर सकते हो सेकंड वाली। और हमारी थर्ड, हालांकि दो मांगी है बट यहाँ पे एक और भी थी यहाँ पे वैल्यू, ही डिसाइडेड वन ऑफ देम विल बी डिफरेंटली एबल एंड अदर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड अदर फ्रॉम डिसएडवांटेज। इसमें भी अगेन आप लिख सकते हो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेज सेक्टर ऑफ सोसाइटी, ये वैल्यू लिखी गई है और लाइन कोट कर सकते हो ये वाली। अब देखो सेकंड वाली और थर्ड वाली वैल्यू थोड़ी बहुत सेम है, उसमें है सेकंड वाली वैल्यू में था डिसएडवांटेज सेक्टर ऑफ सोसाइटी या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल एरियाज, और थर्ड वाली में है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेज सेक्टर ऑफ सोसाइटी। तो फिर भाई ऐसे केसेस में ट्राई करना वेराइटी मेंटेन हो, तो आपने फर्स्ट वाली वैल्यू तो अपनी फर्स्ट वाली लाइन बोल दी, और सेकंड वाली वैल्यू आप सेकंड या थर्ड में से कोई भी पिक कर देना। अब हमारी फर्स्ट केस स्टडी की तरफ आते हुए जो कि हल्की सी ट्रिकी है, यहाँ पे दोबारा चलो ए पॉइंट हम फटाफट से देख लें। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ढूंढना है हमें यहाँ पे। हमें तो भाई ऑलरेडी पता है, हम स्टाफिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट मेरा विश्वास करो भाई पेपर में बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं। द आईटी मेजर जीपीआरए इज टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट सीनियर मैनेजर। दुख की बात है भाई, जीपीआरए अपने सीनियर मैनेजर्स को भगा रहा है। If after evaluating their performance against predetermined center, if it is found to be lacking, मतलब predetermined standard से अगर उनकी performance को evaluate करेंगे और उनकी जो performance है वो उन standard से कम है,
तो भाई हम उन्हें टर्मिनेट कर देंगे, मतलब सीधा हम टर्मिनेट नहीं कर रहे, उनको स्टैंडर्ड से डिटरमाइन, प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड से कंपेयर करके करेंगे। तो यहाँ पे हल्की सी शायद आपके दिमाग की घंटी बजी हो, नहीं बजी तो चलो आगे बढ़ते हैं। विद दिस डिसरप्शन एनालिस्ट से अ लार्ज पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज मे बिकम इररिलेवेंट अनलेस दे लर्न न्यू स्किल एंड अप्लाई नॉलेज टू वर्क ऑन इमर्जिंग इकोलॉजीज। तो भाई यहां से आपको हल्का सा ये आइडिया लग सकता है कि यहां पे ट्रेनिंग की बात हो रही है। देखो अगेन मैं आपको एक चीज की वार्निंग दे देता हूं, मैं आपको बस यहां पे ये कहना चाहता हूं कि अपना ना केस स्टडी पढ़ के इन हिंट्स जो आप दिमाग में डेवलप कर रहे हो केस स्टडी को पढ़ते हुए, एकदम सोच मत लेना यही आंसर है। क्योंकि कभी बार क्या होता है, जब आप पॉइंट्स पढ़ने पे आते हो, क्वेश्चन के एबीसीडी पॉइंट पढ़ते हो, क्वेश्चन कुछ और ही डिमांड कर रहा होता है और आपने जो हिंट डेवलप किए हैं केस स्टडी पढ़ते हुए वो बिल्कुल यूजलेस रह जाते हैं। मैं बस आपको एक कहना चाहता हूं, एक पॉइंट आपको यहां पे ये कहना चाहता हूं कि हल्का सा दिमाग की घंटी जला के चलना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा आप केस स्टडी पढ़ रहे हो, हल्का हल्का दिमाग में घंटी जला देना, बट इसका मतलब ये नहीं है आप बिल्कुल यही सोच के बैठो कि यही होने वाला है आंसर या यही लाइन से एसोसिएटेड आंसर, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं कई बार। तो बस दिमाग को थोड़ा एक्टिव करके चलना। तो विद दिस एनालिस्ट से कि हाँ भाई नॉलेज, नई नॉलेज और स्किल्स की जरूरत हो सकती है लोगों को। GPR is ready to facilitate employee learning through its in-house centers. तो सबसे पहले name the function of management performed by GPRA to maintain a satisfactory workforce. अब देखो यहां पे एकदम directly नहीं आपको पता चल रहा staffing है, but indirectly इन तीनों लाइनों में ना आपको किया जा रहा है कि आपको पॉइंट किया जा रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे स्टाफिंग की ही बात हो रही है। तो ए पॉइंट पे अब खुद ही सोचो यार, यहाँ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग प्लानिंग, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग प्लानिंग कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दूसरा लग ही नहीं सकता है, यहाँ स्टाफिंग ही लग रहा है। और ये स्किल्स की और यहाँ पे जो है एम्प्लॉय लर्निंग की, इन दोनों लाइनों से बिल्कुल हमें पक्का हो रहा है कि भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरफ हम इशारा करते हैं, तो वो तो भाई स्टाफिंग ही है। तो पहले का तो आंसर सिंपल स्टाफिंग है। सेकंड है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट द टू स्टेप्स सॉरी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। मतलब क्या है, यहां पे हमने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ए पॉइंट में हमने डिस्कवर कर लिया जो कि है स्टाफिंग, उसके जो दो स्टेप हैं वो ऊपर वाले हमारे केस स्टडी में डिस्कस हो चुके हैं। तो आइडेंटिफाई करो वो दो स्टेप कौन से जीपीआरए परफॉर्म कर चुकी है और उनको एक्सप्लेन करो। तो अब अगेन यार आपको कुछ वर्ड्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिससे आप पहचान पाओगे कि कौन से स्टेप्स हमारे स्टाफिंग के यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसके लिए आप खुद एक बारी पॉज करके उन लाइनों को ढूंढने की कोशिश करो और पहचानो कि कौन से हमारे स्टेप हो चुके हैं। आपके लिए हिंट, एक तो है जीपीआरए फैसिलिटेटेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, यहां पे तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। दूसरा है हमारा परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, ये था हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम स्टाफिंग के प्रोसेस में यही करते हैं, हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको हम प्रमोशन या फिर पनिशमेंट या फिर दूसरी चीजें हम उनके साथ एक्शन लेते हैं। तो ये दो हमारे जो स्टेप ऑफ स्टाफिंग है ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं। सी पॉइंट है ऑल्सो स्टेट एनी टू स्टेप्स ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड, मतलब जो हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऊपर डिस्कस किया है यानी स्टाफिंग, अगेन बार बार ए पॉइंट की तरफ कर रहा है, द फर्म हैड टू परफॉर्म बिफोर परफॉर्मिंग द अबव स्टेप्स। तो यहां पे एक चीज समझो, आपका सी पॉइंट जो है ना हमारे ए और बी पॉइंट से कनेक्ट करना चाह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं जो आपके पुराने ए और बी पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। दोबारा सी पॉइंट पढ़ते हैं, ऑल्सो स्टेट एनी टू स्टेप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड द फर्म हैड टू परफॉर्म बिफोर परफॉर्मिंग द अबव स्टेप्स। मतलब क्या है, जो आपने बी पॉइंट में दो स्टेप रिकॉग्नाइज करे हैं जो कि हमने देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट था, इन दोनों स्टेप से पहले कोई भी दो स्टेप बता दो और उनको हल्का सा एक्सप्लेन कर दो। कोई भी दो स्टेप बता दो यार, हमारा रिक्रूटमेंट है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन है, कोई भी बता दो, बट यहां पे हल्का सा क्वेश्चन ट्रिकी था। तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर। तो अब जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग में है हाँ भाई मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर दिल्ली में आके पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए कुछ काम की चीज़,
देखो भाई, जो सन्नी भाई का स्टार्टअप है योर शेल, वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है और पूरी हेल्प करता है 12th क्लास के बच्चों को रहने में, दिल्ली में शिफ्ट होने में। और जब आप दिल्ली में शिफ्ट होगे तो 3-4 दिन आप उनके पास रह सकते हो, आपको पूरा खाना प्रोवाइड किया जाएगा और आपको एडमिशन में, DU में पूरी हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। आप बस ये फॉर्म फिल कर दो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में आपको ये फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप ये फॉर्म फिल कर दो और आपको योर शेल की टीम आपको रिजल्ट आते ही अपने आप कम्युनिकेट करेगी, और अगर आपके 90 अबव हैं तो आपको पूरी एडमिशन में हेल्प देगी योर शेल की टीम। तो भाई कमेंट्स में थोड़ा सनी को प्यार दिखाओ, और कमेंट सनी आपको जरूर रिप्लाई करेगा। मैं जरूर कहूंगा सनी से, भाई सबको जरा अच्छे से रिप्लाई कर दियो बच्चों को, कोई भी क्वेरी हो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड या फिर इस चीज से रिलेटेड कि कैसे उसने इतने करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी इतनी छोटी उम्र में, तो आप कर सकते हो। बाय द वे, राइट में जो बिल्डिंग है ये SRCC है, सुंदर सी बिल्डिंग, मेरा एक्स कॉलेज जिससे मैंने ड्रॉप आउट किया था। और भाई बस एंड करते हुए यही कहना चाहूंगा, वीडियो शेयर करो यार अपने फ्रेंड से, उनकी आपको दुआएं लगेंगी और मेरा भी बहुत सारा प्यार मिलेगा। अगर आपको कभी भी हमसे कम्युनिकेट करना हो, मुझसे या संप्रदा से, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो बाय।